मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार अपने ही नेताओं के निशाने पर है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गौरक्षा मुद्दे के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे पर जमकर खरी खोटी सुनाई थी। इस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने अपना वादा याद है और प्रदेश की जनता को उन पर पूरा भरोसा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसानों की कर्ज माफी पर अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि 2 लाख का कर्ज माफ करने का वादा किया गया था जो अब तक पूरा नहीं हुआ। इस पर कमलनाथ सरकार ने कहा कि अगले चरण में ये वादा पूरा होगा। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ होना चाहिए, लेकिन कर्ज पूरी तरह से माफ नहीं किया गया है। केवल 50,000 रुपए का कर्ज माफ किया गया है, जबकि हमने कहा था कि 2 लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह भी कमलनाथ सरकार की कई योजनाओं पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने किसान की पूरी तरह से कर्ज माफी न होने पर राहुल गांधी को जनता से माफी मांगने तक के लिए कह दिया था। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.